बीमारी को ठीक करने के लिए उसको मेडिसिन बोला जाता है, राइट। लेकिन जो चीज हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हो आने वाले समय में, तो उसके लिए जो सेवन हम करते हैं, उसके लिए जो चीजें हम लेते हैं, उनको फूड सप्लीमेंट बोला जाता है, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, एक न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बॉडी को मिलती है। तो हमारे जितने भी फूड सप्लीमेंट हैं, ये सभी किस्में आते हैं ताकि हम आने वाले समय में बीमार ना पड़े, राइट। लेकिन हमारे जो सप्लीमेंट है उनके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी भी है तो वो उसकी वजह से ले रहा है, जैसे शुगर की है, हार्ट की है, घुटने की है, पेट की है, किसी भी चीज की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी बीमारी उससे ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट के लिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम बीमार ना पड़े, राइट। तो अभी इसके ऊपर लोगों का जो माइंड सेट है वो क्या है कि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो ही हम चीजें लेंगे। क्यों भाई, क्या आने वाले आप बीमारी का वेट कर रहे हैं कि बीमार होंगे तो ही हम लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सबके लिए एक न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ा है तो ही हम हिमालयन बेरी जूस या कोई और सप्लीमेंट लेंगे। ये सबकी नीड है, हर एक को लेना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इसलिए जो फूड सप्लीमेंट है उनके जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे आते हैं, राइट। अब देखिए, अगर किसी पर्सन की उम्र 30 या 35 साल है तो डेफिनेटली है कि 50 साल तक आते आते वो बीमार होगा, उसको कोई ना कोई बीमारी लगेगी, ये डेफिनेट है, राइट, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम फूड सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं तो हो सकता है जो बीमारी उसको 40-50 साल तक आनी है वो उसको थोड़ा सा और लेट आए, 60-70 साल तक आए। और हो सकता है कि अगर उसको 40-50 साल की उम्र में अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है तो अगर वो फूड सप्लीमेंट लेता है तो हो सकता है उसको इतनी गंभीरता से वो बीमारी ना लगे। इसीलिए जो सप्लीमेंट्स हैं वो सेवन करना चाहिए, उनका सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालयन बेरी जूस के बारे में, क्योंकि ये हिमालयन बेरी से बना है, इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक इफेक्टिव फॉर्मूला है जो कि हमें तंदुरुस्त बना के रखता है, बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और 190 प्लस बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर मौजूद है, राइट। और 100% एक नेचुरल जूस के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये जूस है। इतना हमें पता चल गया कि जूस है, पीने की चीज है, राइट। तो ये चीज हमें पता चल गई। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, फीचर्स की, कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हिमालयन बेरी है, इसको हिप्पोपे रेमनॉइड भी बोला जाता है। हमने इतने डीप में नहीं जाना है, हमने उतना ही समझना है जितना कि हम किसी को समझा सकें, राइट। जैसे कि ये मतलब कि जो माउंटेनियस रीजन होते हैं, जहां पे पहाड़ होते हैं, वहां से इसको लिया जाता है। ये बेरीज वहां पे मौजूद होती है, लगभग 4,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पे, जो ठंडे वातावरण में ये वहां पे मौजूद होती है। बहुत तरीके के इसके अंदर विटामिंस होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, हेल्पफुल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सभी चीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। और ये जो हिमालयन बेरी है ये एक पावरफुल फूड है, जो कि जिसमें कि विटामिन सी जो है, जो ऑरेंज होता है, संतरा होता है, उससे 12 गुना ज्यादा जो विटामिन सी है वो इसके अंदर मौजूद होता है, राइट। जो इसकी फ्रूट वैल्यू होती है, देखिए ये फ्रूट वैल्यू को समझिए, फ्रूट वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए अगर हम जैसे सेब होते हैं, सेब लेते हैं, राइट, तो हम सेब कितने खाते हैं एक दिन में, एक या दो, या कभी कभी हम खाते नहीं है, राइट। महीने में भी शायद 10-12 मुश्किल से कभी खाते होंगे या हम खाते नहीं होंगे। तो आप देखते हैं कि जो पर्सन सेब खाता है, हम कहते हैं ना कि उसके जो चीक्स होती हैं, जो गाल होती हैं, मतलब कि उसका चेहरा जो है वो सुर्ख लाल हो जाता है, राइट। तो इसी चीज से हम उसके डिफाइन करते हैं। तो अगर आप हिमालयन बेरी जूस लेंगे तो 12 संतरे खाने के बराबर जो इफेक्ट आपको मिलेगा। अब 12 संतरे आप कब खाएंगे, 12 दिनों में, राइट, या कभी कभी 12 महीने भी हो जाते हैं, संतरे खाते ही नहीं है कभी कभी तो। लेकिन अगर आप ये फ्रूट वैल्यू, इसी चीज को बोला जाता है कि 12 गुना ज्यादा उसमें आपको जो उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, जो उसकी फ्रूट वैल्यू है, वो आपको देखने को मिलती है। तो 12 संतरे खाने के बराबर जो इफेक्ट आपको बॉडी को मिलने वाला है, राइट। इफेक्ट हम कैसे मापते हैं कि हाँ भाई अब मैं ये चीजें खाने लग रहा हूं, तो लोग हम देखते हैं कि हाँ जो बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, राइट, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही होती है, मतलब कि जो चेहरे होते हैं उसकी रंगत से पता चल जाता है, कभी तो नहीं तो मुरझाया हो रहता है, नहीं तो एक चेहरा खिला खिला रहता है। तो उस चीज से हम इसको बेसिकली नापने की कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कि ये चीजें ऐसी होती है। तो इसमें 12 गुना ज्यादा जो फ्रूट वैल्यू है वो इसके अंदर मौजूद होती है। फाइबर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइकोपिन होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, तो ये सभी चीज होती है, हमने इतना डीपली में नहीं जाना है।
उतना डीपली में जाइए जितना आप अपनी टीम को समझा सके। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ज्यादा दिमाग पे बोझ लेके नहीं घूमना है, क्योंकि पहले और बहुत सारी टेंशन लेके हम घूम रहे हैं। ज्यादा नहीं, उतना समझिए, उतना ही नोट कीजिए जितना हम अपनी टीम को आसानी से बता सकते हैं। अब जो हिमालयन बेरी जूस है, ये वेट लॉस करने के लिए, यानी कि जो लोग भार कम करना चाहते हैं, राइट, तो जैसे कि फैट है, फैट कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपको बहुत अच्छी आपकी हेल्प कर सकता है। और जो लोग अपने हार्ट का, सेहत का अपने ख्याल रखना चाहते हैं, राइट, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें कि 3, 6, 9, तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो हिमालयन बेरी जूस के अंदर आपको मिल जाती है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे इंग्रेडिएंट जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था, हिमालयन बेरी जूस, जिसे क्योंकि हिपोफेरामिनॉइड्स भी बोला जाता है, इसके अंदर जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट भी होता है, ये याद नहीं करना है, हिमालयन बेरी जूस याद रखिए। जब भी कोई बोले क्या बोल, अब आप उसको अगर बताओगे कि हिपोफेरामिनॉइड्स होता है, वो उसका क्या करेगा, उसका उसका इतनी नॉलेज लेने का, हम देखिए नॉलेज उतनी लीजिए जितना हमें फायदा हो उस चीज का, राइट। हिपोफेरामिनॉइड्स किसी को जाके बताएंगे, वो घर पे बैठा होगा आराम से, आप जाके हिपोफेरामिनॉइड्स बोल देंगे, वो कहेगा कि भाई मैंने करना क्या है हिपोफेरामिनॉइड्स का, उसको बोलिए हिमालयन बेरी जूस है भाई, ये पिएगा तो तेरे को ये फायदे होने शुरू हो जाएंगे, तो बसाना आसान हो जाता है। अब ये नॉन डायबिटिक है, यानी कि आप इसमें जो हनी है, शुगर है, वो अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि शुगर वाले पेशेंट भी इसको आसानी से पी सकते हैं, तो ये एक अच्छा बेनिफिट हो गया कि शुगर वाले पेशेंट भी इसको आसानी से पी सकते हैं। अब इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर आप 100 ml हिमालयन बेरी जूस लेते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि एनर्जी होगी 32.91, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, शुगर बिल्कुल जीरो है इसमें, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2। याद नहीं करना है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही मैं आपको ये दिखा रहा हूं, याद नहीं करना है, समझना है, प्रोडक्ट को समझिए, याद नहीं करना है, राइट। आगे चलते हैं। अब जो हिपोफेरामिनॉइड्स है, इसको सी बकथॉर्न भी बोला जाता है, अब एक और नाम भी निकल के सामने आ रहा है, लेकिन हमने क्या याद रखना है, हमने इसको हिमालयन बेरी जूस ही याद रखना है, हमने ज्यादा साइंस में नहीं जाना है। पहली चीज समझ लीजिए कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें 190 से ज्यादा बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, हार्ट सभी के पास है, राइट, तो हार्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट, तो हार्ट के हेल्थ के लिए जो ओमेगा फैटी एसिड होता है, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, तो वो हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। जो हिमालयन बेरी जूस है, राइट, जिनको हार्ट नहीं है, जिनके पास हार्ट नहीं है, उनको उनको छोड़ के बाकी सबको दे सकते हैं जिनके पास हार्ट है, तो ये चीज हमें पता चल गई, राइट। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जो हिमालयन बेरी जूस है, जो स्किन के लिए, जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो किस चीज से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, राइट, बिलियन ट्रिलियन सेल्स है, अरबों खरबों सेल से हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है, उसका एक प्रोसेस होता है कि जो सेल्स हैं वो सेल्स बनते हैं, मरते हैं, दोबारा से फिर बनते हैं, मरते हैं, तो एक उनका एक लाइफ साइकिल चलता है, तो उनके जो लाइफ साइकिल होता है उस लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है, यानी कि जो अगर बुढ़ापा आना जल्दी आना शुरू हो रहा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, डिसकलरेशन हो रही है, सोरोसिस की प्रॉब्लम आ रही है, एटॉपिक डर्माटाइटिस आ रहा है, एक्ने की दिक्कत आ रही है, अल्सरेशन की दिक्कत आ रही है, तो ये सभी जो चीजें हैं हिमालयन बेरी जूस उसमें उन चीजों को कवर करने का काम करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को, यानी कि आपको जवान बनाए रखने का काम करता है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे खूबसूरत और जवान दिखें, स्किन आपकी अच्छी हो, स्किन का कलर आपका अच्छा हो, उसकी जो डीकलरेशन है वो ना होनी शुरू हो, तो जो हमारा हिमालयन बेरी जूस है वो इसके अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, राइट। अब आगे बात करते हैं कि हिमालयन बेरी जूस ह्यूमन हेल्थ में और क्या क्या चीजें वहां पे प्ले करता है, जैसे कि आपके पेट के संबंधी अगर कोई समस्याएं हैं, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, जैसे कि पेट में जो एसिड वगैरह बनना शुरू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठ के जो खाली पेट वाली गोली लेते हैं, राइट, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सुबह उठ के अगर पेट में ज्यादा एसिड बन रहा है तो हम क्या करते हैं, सुबह उठ के खाली पेट की गोली लेते हैं, पेंटोप्राजोल, रेबीप्राजोल, राइट, तो गोलियां चेंज करते रहते हैं लेकिन वो एसिड बनना बंद नहीं होता है, तो अगर हम वहां पे हिमालयन बेरी जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, पेनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन, यानी कि जो छोटी आंत, बड़ी आंत, जो पेनक्रियास हो गया, जो आपका लीवर हो गया, जो आपका
गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, तो इन सभी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हम हिमालयन बेरी जूस का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा हमने जानना भी नहीं है, राइट? ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर जो नर्व्स होती हैं, आपकी मेमोरी को शार्प करने का काम करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, वो हमें किससे मिलते हैं? हिमालयन बेरी जूस से। ये चीज हमें आसानी से पता चल गई। अब इसके जो और हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को, यानी कि अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी को ये इम्प्रूव करता है, हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है, स्किन कंडीशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जिसके बारे में हमने बात की थी, राइट? स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो रिंकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, आपकी लीवर की जो हेल्थ है लीवर को सपोर्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है ताकि अगर कोई डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा है तो वो रुक जाए, राइट? और अगर किसी को डायबिटीज ऑलरेडी है तो वो और उसके आगे ना बढ़ पाए। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी को डायबिटीज है तो पहले तो उसने इतनी मेहनत की कि उसको धीरे धीरे डायबिटीज हो गई, राइट? मेहनत कैसे की? क्योंकि हमने अपने खाने पीने का जो ध्यान है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है, तो धीरे धीरे हमें डायबिटीज हो रही है। यानी कि अगर मेडिसिन लेने के बाद भी, अगर जैसे शुरू में 5 mg की टेबलेट डॉक्टर लगाते हैं, 10 mg के, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, फिर वो आपके जो इंजेक्शन होते हैं, राइट, इंसुलिन होते हैं, उस पे आ जाते हैं, यानी कि बीमारी तो ठीक हो नहीं रही है, बीमारी तो आगे बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये और आगे ना बढ़े, आगे गैंग्रीन पे ना पहुंचे, राइट, गैंग्रीन फिर आगे जाके एक लास्ट स्टेज आ जाती है, वहां पे इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है, वहां पे पैर वगैरह भी काटने पड़ जाते हैं वहां पे, तो ऐसी स्टेज अगर वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो अगर हम वहां पे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जो हमें रिजल्ट है वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी बनी रहती है वहां पे। कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन करता है, आपकी हार्ट के संबंधी जो समस्याएं हैं उनके उनके ऊपर जो समस्याएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रेन के ऊपर, आपकी मेमोरी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, सेल की रिन्यूअल, यानी कि वही चीज कि आपको जवान बनाए रखने का काम करता है, और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ये चीज हमें समझ आ गई दोस्तों, बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, राइट, किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये सभी चीजें हमें पता चल गई। अब लास्ट में आता है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हिमालयन बेरी जूस को कैसे इस्तेमाल करना है फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स यानी कि आप इसको मान सकते हैं कि 16-17 साल के ऊपर के जो लोग हैं, राइट, तो इस्तेमाल कैसे करना है, 15 ml जो हिमालयन बेरी जूस है इसको 150 ml पानी के ग्लास में आप मिक्स करके खाली पेट लेना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। यानी कि सुबह सुबह अगर आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो सुबह 7:30 बजे यानी कि आधा घंटा पहले आपने हिमालयन बेरी जूस लेना है। और जब भी आप हिमालयन बेरी जूस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज के बाद जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इसका सेवन करना शुरू कर देंगे, और अपनी वीडियो अपनी फैमिली के साथ, अपनी जो पिक है, अपनी जो फोटो है, वो फैमिली के साथ हमारे को सेंड कीजिए, यहाँ पे सेंड कीजिए, ताकि हम पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में दिखा सकें कि कीवा में हिमालयन बेरी जूस जो फूड सप्लीमेंट है, यानी कि हम अपनी सेहत का ध्यान किस तरीके से रख रहे हैं। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो दुनिया इस्तेमाल करेगी, अगर सीधे जाके दुनिया को बता देंगे तो वो पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया है। तो सबसे पहले हमने इस्तेमाल करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले, खाना खाने से आधे घंटे पहले इस्तेमाल करना है, 150 ml पानी में 15 ml हिमालयन बेरी जूस मिक्स करके उसको घोल के आपने सुबह सुबह इसको पी लेना है, राइट, और दिन में इसको 2 बार पीना है आपने। सुबह 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो सुबह 7:30 बजे इसको खाली पेट ले लेना है, रात को 8 बजे डिनर कर रहे हैं तो शाम को 7:30 बजे आप इसको सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जो हिमालयन बेरी जूस है बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही आसानी से किसी को भी बता सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने इसके ऊपर ऑफर निकाला हुआ है, बाय वन गेट टू फ्री का ऑफर, तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही यूनिक ऑफर है। और अगर आप इसके ऊपर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो बिजनेस भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, और इसकी जो एमआरपी है वो 1200 रुपए इसकी एमआरपी है, यानी कि 1200 रुपए में आपको 2 प्रोडक्ट और मिल रहे हैं आपको, राइट, यानी कि आपको तो 400 रुपए का ही एक पड़ रहा है। तो 400 रुपए में हिमालयन बेरी जूस मेरे हिसाब से तो कोई महंगा सौदा नहीं है, और बाकी महंगा तो वैसे भी नहीं है, अगर बाय वन गेट वन भी करें तब भी महंगा नहीं है, अगर हम सिंगल भी परचेज करें तब भी महंगा नहीं है,
तो अगर आप इसके ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर बिजनेस भी कर सकते हैं, रिटेलिंग में भी बिजनेस कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा हिमालयन बेरी जूस। अब हमारा मेन पोर्शन आ रहा है इसी चीज से रिलेटेड। अगर आप सभी ने इसको ध्यान से सुना है तो अगले वाला पोर्शन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, राइट। तो आइए अब उस चीज को समझते हैं कि हिमालयन बेरी जूस से हम किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट से बिजनेस किस तरीके से किया जा सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज अब आपके सामने आने वाली है। कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो हिमालयन बेरी जूस है इसके ऊपर जो बिजनेस है उसके ऊपर हम प्लानिंग करके देखते हैं कि हिमालयन बेरी जूस के ऊपर किस तरीके से प्लानिंग करके बिजनेस किया जा सकता है, सिंगल प्रोडक्ट से किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, क्यों करना चाहिए इसके ऊपर बिजनेस। क्योंकि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं और अगर आप अपनी सभी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि उसका एकमात्र जो तरीका है वो पैसा होता है, राइट। यानी कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हिमालयन बेरी जूस से किस तरीके से बिजनेस निकाल सकते हैं, आइए इसको देखते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब देखिए हिमालयन बेरी जूस की एमआरपी क्या है, 1200 रुपए। इसका जो डीपी प्राइस है वो क्या है, 1100 रुपए है। और इसका जो बीपी है, बिजनेस पॉइंट, वो कितने हैं, 450। यानी कि एक हिमालयन बेरी जूस खरीदने से 450 बीपी हमें मिलते हैं। यहां तक हमें क्लियर हो गया, राइट। अब प्लानिंग करके देखते हैं। तो अगर हम डायरेक्टर लेवल अचीव करना चाहते हैं हिमालयन बेरी जूस से, तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे रहने वाली है, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग जो कैलकुलेशन है आपके सामने आने वाली है। मैंने बीच वाला कोई भी लेवल नहीं लिया। अगर कोई न्यू पर्सन है, अगर हम उसको समझाना चाहते हैं और अगर हम खुद डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग किस तरीके से की जा सकती है, इसके बारे में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर, अगर किसी ने न्यू, आज अगर कोई न्यू पर्सन आया है, किसी ने न्यू ज्वाइन किया है, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं, राइट, तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव आता है, राइट, उसके बाद मैनेजर लेवल आता है, डिप्टी डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर आता है, हमें डायरेक्टर तक पहुंचना है। तो आइए उसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, जस्ट इमेजिन कैलकुलेशन देखते हैं किस तरीके से हमारे सामने आती है। तो अभी हम बीपी देखते हैं। तो डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, यानी कि हमें 640,000 बीपी एक तरफ, 640,000 बीपी दूसरी तरफ हमें करने होते हैं। ये सबको पता है, जो न्यू लोग हैं वो समझ लीजिए। यानी कि 640,000 बीपी एक तरफ, 640,000 बीपी दूसरी तरफ, यानी कि अब हिमालयन बेरी जूस का बीपी कितना है, 450 रुपए। एक हिमालयन बेरी जूस का जो बीपी है वो 450 रुपए वहां पे है। यानी कि हमें टोटल 1,80,000 बीपी चाहिए अगर डायरेक्टर लेवल तक पहुंचना है। अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो मेरे को कितना बीपी चाहिए, 1,80,000 बीपी मेरे को अचीव करना है अगर मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहता हूं। ये चीज हमें क्लियर होगी, राइट। तो अब 1,80,000 मेरे को करना है, एक हिमालयन बेरी का जो बीपी है 450 रुपए है, यानी कि मेरे को 2,845 हिमालयन बेरी जूस की जो बॉटल्स है वो सेल करनी पड़ेगी अगर मैं डायरेक्टर लेवल पर पहुंचना चाहता हूं सिर्फ हिमालयन बेरी जूस से। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जिस दिन मेरे को और मेरी टीम को 2,800 के करीब, जब मैं इसकी बॉटल जो है, जिस दिन मेरे और मेरी टीम 2,800 के करीब जब हिमालयन बेरी जूस बेच देगी, तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाऊंगा। अब मुझे एक चीज बताइए, 2,800 हिमालयन बेरी जूस की जो बॉटल्स हैं वो सेल करना आसान है या मुश्किल है, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या 2,800 बॉटल्स हम सेल नहीं कर सकते हैं, कितनी देर में कर सकते हैं, 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में साल में 10 साल में 20 साल में, इस जन्म में क्या 2,800 बॉटल हमसे सेल नहीं होंगी, हमसे और हमारी टीम से। आइए इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन सामने आने वाली है, प्लानिंग जो है। अब मुझे बताइए कि हम लोग डेली कितने नए लोगों से मिल सकते हैं, डेली कम से कम कितने नए लोगों से मिल सकते हैं, मुझे कमेंटिंग आपकी आती रहनी चाहिए। क्या 10 लोगों को मिलना डेली आसान है या मुश्किल है, मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, 10 लोगों को डेली मिलना आसान है या मुश्किल है। कुछ लोग बोलेंगे आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 लोगों को डेली मिलना आसान है या मुश्किल है, अभी भी कुछ बोलेंगे सर आसान है, कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों।
तीन लोगों को डेली मिलना आसान है या मुश्किल है? अभी भी कुछ लोग बोलेंगे सर हो सकता है, अभी भी कुछ लोग होंगे सर तीन लोग कहां से लेके आए, 135 करोड़ लोगों में से तीन लोग कहां से लेके आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों पहली बात तो ये जो मुश्किल है ना, ये हमारे माइंड का गेम है, मुश्किल हमारे दिमाग में होता है। मुश्किल की परिभाषा क्या है? क्या हमें मुश्किल की परिभाषा मालूम है? अगर मैं इस कमरे में बैठा हूं, मैंने बार बार आपको डेफिनेशन दी है, अगर मैं इस कमरे में बैठा हूं, मेरे को दूसरे कमरे में जाना है लेकिन वहां पे जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं यार कौन जाएगा वहां पे, बहुत ही मुश्किल है, ठंड पड़ी है, रजाई में बैठे हैं, कौन जाएगा? लेकिन क्या असल में वो मुश्किल है? नहीं। मुश्किल क्या है? अगर मेरी टांग टूटी हुई है, मेरे को इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो वहां तक जाने को मेरे को पेन होगा, दर्द होगा, वो चीज मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों तीन लोग भी अगर हमें डेली का मिलने को मुश्किल लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी हमारे आज लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी डायरेक्टर लेवल अचीव करेंगे, क्या हम डेली के एक पर्सन को मिल सकते हैं या नहीं, आपके ऊपर है। 10 लोगों को मिलिए, 5 को, 3 को, 1 को, आपके ऊपर है। जितने ज्यादा मिलेंगे आपके लिए अच्छा है, जितने कम मिलेंगे वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन कम से कम मिलना जरूर है। दिन भर जो मर्जी काम कीजिए, कोई मर्जी प्रोडक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए। मैं तो सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि कीवा के लिए दिन में एक पर्सन को मिलना है, उसको अगर हम हिमालयन बारी उसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, उसको उसके बारे में बताना है, राइट? अपना मिनिमम जो टारगेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैलकुलेशन देखिए, 1 साल में मेरे को, मान लीजिए कि हम 1 साल में डायरेक्टर लेवल तक पहुंचना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं 1 साल में बन जाऊं डायरेक्टर लेवल पे, यानी कि 1 साल में मेरे को 2845 हिमालयन बेरी जूस की जो बॉटल्स हैं वो सेल करनी पड़ेगी, राइट? तो अभी 1 साल में देखते हैं किस तरीके से इसमें बनते हैं। अब साल में 12 महीने होते हैं, राइट? तो यानी कि मेरे को हर महीने 237 हिमालयन बेरी जूस की जो बॉटल्स हैं वो बेचनी पड़ेंगी, राइट? अब थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा आसान लगना शुरू हुआ कि हाँ 237 थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा होगा, राइट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, अब 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो अब देखते हैं पर डे मुझे 8 हिमालयन बेरी जूस की जो बॉटल्स हैं वो मुझे सेल करनी पड़ेंगी। अब दोस्तों मुझे दिल से बताइए, 8 हिमालयन बेरी जूस की बॉटल डेली अगले 365 दिनों के लिए बेचना आसान है या मुश्किल है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। क्या डेली के 8 हिमालयन बेरी जूस मैं बेच सकता हूं या नहीं, राइट? जो नए लोग होंगे उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल लग रहा होगा कि सर 8 हिमालयन बेरी जूस कहाँ से बेचे, हम तो एक ही बेच पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अरे कम से कम एक के ऊपर काम कीजिए। कैलकुलेशन देखिए, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन सामने आने वाली है। अगर नए लोग भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लीडर्स के लिए आसान भी हो सकता है। अगर आपकी टीम में 8 डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ इकट्ठे करने, अपनी टीम बनानी है। अब टीम आप जब मर्जी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, हमने ऐसे 8 लोग ढूंढने हैं, राइट? टीम कैसे बनाएंगे वो हमने जैसे लास्ट बार किया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम भी एक बार और इसका सेशन जो है वो भी हम कर सकते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, राइट? उसके ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। मान लीजिए आपकी टीम में अगर 8 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मेरे को 1 हिमालयन बेरी जूस जो है वो डेली सेल करना पड़ेगा अगले 365 दिनों के लिए, अगर मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहता हूं। तो ये अब कुछ थोड़ा सा आसान लगा, क्योंकि एक मैं सेल करूंगा, एक मेरी टीम भी सेल करेगी, हर कोई पर्सन को एक एक ही सेल ही करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टर लेवल पे वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो अब थोड़ा सा आसान लगा, राइट? अब इसमें संडे मंडे दिवाली होली कुछ नहीं आएगा, सारे दिन आपने इसको बेचना है। अगर कल छुट्टी ले रहे हैं तो आज 2 बेच दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें मिस नहीं करना है हमने। अब देखते हैं, तो हम 1 साल में यहाँ पे डायरेक्टर लेवल पे आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर मेरी टीम में 16 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये डायरेक्टर लेवल है, ये मैं 6 महीने में पहुंच सकता हूं। अगर मेरी टीम में 16 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, तो अगर वो एक एक ही बेचते हैं, बेचना एक एक ही है कम से कम, ज्यादा जितने मर्जी बेचे लेकिन एक से कम होना नहीं चाहिए, राइट? तो मैं 6 महीने में डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाऊंगा। और अगर मेरी टीम में 32 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के पास हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके पास 30, 32, 35, 40, 50, 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है, बस हमने उनसे काम करवाना है, उनको बोलना है, उनको सिखाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, तो मैं 3 महीने में डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकता हूँ। दोस्तों 3 महीने में डायरेक्टर लेवल आसानी से अचीव किया जा सकता है, अगर एक डेली हिमालयन बेरी जूस के ऊपर आप काम करें, डेली का सिर्फ एक। देखिए सिर्फ एक प्रोडक्ट से
सिर्फ एक ब्रांड से डायरेक्टर लेवल पे पहुंच रहे हैं हम, सिर्फ एक डेली का बेचना है, क्या कोई बहुत बड़ा काम बोल दिया हमने? क्या इतना फिर भी टारगेट हम नहीं ले सकते हैं? अरे जिंदगी में एक टारगेट लीजिए, चाहे छोटे से छोटा टारगेट लीजिए। मैंने आपको 50 बॉटल बेचने के लिए नहीं बोला, मैंने आपको 10 बॉटल बेचने के लिए बोला, मैंने 5 नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ एक बॉटल के ऊपर काम कीजिए, लेकिन मेन काम ज्वाइनिंग पे कीजिए कि ज्वाइनिंग कैसे करना है। तो दोस्तों अगर हम इस चीज से करेंगे तो क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं, मेरे को कमेंट करके बताइए। आप सबके कमेंट मेरे को आने चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग जाग रहे हैं, सो तो नहीं गए हैं। क्या एक बॉटल डेली की बेचना हिमालयन बेरी जूस की आसान है या मुश्किल है? एक प्रोडक्ट से अगर हम डायरेक्टर लेवल पर पहुंच रहे हैं तो कीवा तो आपको 550 से ऊपर प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप सोचिए आप कहां तक पहुंच सकते हैं, कितने पैसे आप कमा सकते हैं वहां पे। कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, कोई लिमिट नहीं है। कीवा आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, बस दिक्कत है तो उस चीज को इंप्लीमेंट करने की। इंप्लीमेंट कीजिए दोस्तों, आपके अंदर से निकलना चाहिए कि हाँ ये काम आसानी से हो सकता है। अपनी टीम के साथ बात कीजिए, टच में रहिए उनके, राइट। अब आगे चलते हैं, प्लानिंग जो है राइट, जैसे कि कैसे, तो जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जो KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, या बड़े बड़े जो मॉल्स हो गए राइट, वहां पे जब भी आप जाते हैं तो एक कॉमन चीज हमेशा हमारे साथ होती है। वो क्या चीज होती है कि वो हमेशा हमारा मोबाइल नंबर और अटेंडेंस लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? डेफिनेटली लेते हैं। जब भी आप बिलिंग कराने जाते हैं तो KFC मैकडोनल्ड्स में क्या पूछते हैं? सर आपका मोबाइल नंबर। क्या आप जानते हैं कि वो मोबाइल नंबर का करते क्या है? जब भी कोई ऑफर निकलता है वो आपको कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं। KFC का मैसेज आपको बुधवार को आता होगा कि वेडनेसडे ऑफर ये चल रहा है, कि कोई और ऑफर चल रहा है, ये हमें मैसेज आते हैं ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास अगर 1000 लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठा है, अगर मैं कोई ऑफर निकाल रहा हूं, अगर 1000 लोगों को मैं ऑफर भेजूंगा तो कितने लोग मेरे पास आएंगे? अगर मैं 5-10% भी मान के चलूं तो 50 से लेकर 100 लोग तो एक ही दिन में मेरे पास आ जाएंगे। अब इसी तरीके से हमने भी बिजनेस करना है, किस तरीके से ज्वाइनिंग कैसे बढ़ानी है उसके बारे में देखते हैं। बहुत ही आसान है राइट। तो सबसे पहले जब भी आप मीटिंग करते हैं, किसी सिंगल पर्सन से भी मिलते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम है उनसे मोबाइल नंबर लेना। 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं तो आपने उनसे मोबाइल नंबर लेना है। होता क्या है, जब हम मीटिंग अरेंज करते हैं तो कभी कभी एक पर्सन के पास, एक पर्सन के साथ साथ वो 3-4 लोग भी लेके आते हैं साथ में राइट। हमारे पास सिर्फ उसी पर्सन का फोन नंबर होता है जिसको हमने बुलाया होता है, बाकी 3 का नहीं होता है। तो मान लीजिए वो पर्सन अगर काम करना छोड़ देता है, वो काम नहीं करता है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो बाकी के 3 लोग तो वैसे ही वहां पे खत्म हो गए, वो तो हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने उनका नंबर, मोबाइल नंबर लिया होगा और अगर आप उनके साथ टच में रहेंगे तो हो सकता है उनमें से कोई इंटरेस्टेड हो आपके साथ काम करने के लिए। लेकिन अगर हमने ही नहीं पूछा तो वो काम कहां से करेंगे? तो दोस्तों इस चीज की गांठ बांध लीजिए कि मोबाइल नंबर हमारे पास सभी के होने चाहिए। जब भी मीटिंग करते हैं एक अटेंडेंस शीट बना लीजिए, उनका डिस्ट्रीब्यूटर का नेम हो गया, रैंक हो गया, उनका मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ नोट कीजिए। उनको बार बार उनको मैसेज कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, टच में रहिए। आपको नहीं पता किस पर्सन को आपसे ज्यादा जरूरत है इस काम की, हो सकता है वो हमसे ज्यादा काम कर ले। लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल नंबर ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम ढूंढते फिरेंगे, हम कहते हैं कि जी लोग आते नहीं है। लोग कहां से आएंगे? लोग तभी आएंगे जब हमारा उनके पास कोई मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ कोई चीज होगी जिसके साथ हम उनके साथ डेली रूटीन में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने आज तक कितने लोगों के साथ मीटिंग की होगी, कितने सालों से कर रहे होंगे? और अपना मोबाइल उठा के देख लीजिए कितने लोगों के मोबाइल नंबर हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर काम कीजिए, पर्सन आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपके पास 1000 लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठा हो जाते हैं राइट, अब उसकी प्लानिंग देखिए किस तरीके से है। तो व्हाट्सएप है राइट, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो उसके व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाता है। अब सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से आप वहां पे जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसका नाम डाल सकते हैं। एक ग्रुप में 250 लोगों तक आ जाते हैं राइट। हर दूसरे दिन मैसेज कीजिए, जिनको भी साथ भी आपने काम किया है उनको हर दूसरे दिन मैसेज कीजिए कि आपको कुछ चाहिए, कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 10 ऐसे ग्रुप हैं जिनमें 250 लोग हैं तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपको कितने ऑर्डर आएंगे। कभी सोचा है हमने इस चीज के बारे में कि कितने ऑर्डर हमें मिलेंगे? अरे 10 ग्रुप हैं, अगर 250 लोग हर एक में है तो 2500 लोगों की टीम आपके पास मौजूद है। 2500 लोगों को हर दूसरे दिन अगर आप मैसेज करेंगे कि एनी रिक्वायरमेंट, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, फूड सप्लीमेंट चाहिए, ऑफर है वो बताइए, आपको नहीं पता आपको कितने ऑर्डर मिल पाएंगे दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते, हो सकता है आपको घर पे ही या दुकान पे ही रिसेप्शन पे एक लड़का या लड़की रखनी पड़ जाए कि जो आपके काम को हैंडल करे, जो आपके ऑर्डर को हैंडल करे, जो माल को डिस्पैच करे।
हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल नंबर ही नहीं होगा तो हम बात किससे करेंगे, ऑर्डर किससे लेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि मोबाइल नंबर इकट्ठा कीजिए, ज्वाइनिंग यहीं से बढ़ेगी आपकी, राइट। तो दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग है वो आपको किस तरीके से मिल सकती है। और दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और मैं लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप ऑर्डर लेते हैं तो ऑर्डर लेते समय जो शब्दों का चयन है वो हमें बहुत देख के करना चाहिए, वो बहुत सोच समझ के। जब भी ऑर्डर लेते हैं तो क्या शब्दों का क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि सर आपका जो प्रोडक्ट है वो खत्म होने वाला है, या आप जो प्रोडक्ट अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपको कोरियर करूं या आप खुद आके लेना पसंद करेंगे, पेमेंट करना कैसे पसंद करेंगे, कैश या ऑनलाइन। अगर आपने उसको बोल दिया कि सर आपको प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपने ना के ऑप्शन दे दी कस्टमर को, तो 80% चांस है कि कस्टमर तो ना बोल के जाएगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि अच्छा अगर मैं ना भी कर दूंगा तो भी चल जाएगा क्योंकि ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है। तो दोस्तों नाम वाली ऑप्शन हमने कभी भी किसी कस्टमर को नहीं देनी है, सिर्फ यही बोलना है कि भाई साहब पेमेंट बताइए कैसे करना पसंद करेंगे, कैश करेंगे ऑनलाइन करेंगे, प्रोडक्ट तो आपके पास पहुंच ही जाएगा, आप आके लेना पसंद करेंगे या हम आपके तक पहुंचा दें। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस तरीके से यहां पे बिजनेस करना शुरू कर देंगे तो आपको जो बिजनेस है उसको करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे आशा है कि आप सबको जो आज का सेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बहुत सिंपल वे में हमें करने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको करने का। इसी तरीके से आसानी से सिर्फ हिमालयन बेरी जूस से अगर हम डायरेक्टर बन रहे हैं तो उससे आसान चीज और कोई नहीं हो सकती है, राइट। तो दोस्तों आज अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे पास यहाँ पे 425 के करीब, 424 के करीब जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि इन लोगों ने आज का जो सेशन है वो सुना है, और जिन लोगों ने नहीं सुना है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो मिस किया होगा, राइट। देखिए मीटिंग ट्रेनिंग कभी भी मिस मत कीजिए, आपको कुछ नहीं पता कि कौन सी मीटिंग में आपको क्या चीज सीखने के लिए मिल जाए, कौन सा मंत्र आपको मिल जाए, आप ये चीज नहीं जान सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर काम कीजिए, मीटिंग कभी भी छोड़नी नहीं है हमने, मीटिंग को हमेशा अटेंड कीजिए, अपनी टीम को हमेशा लेके आइए, राइट। अभी मैं अगली मीटिंग मैं इससे भी डिफरेंट करने वाला हूँ, इससे भी डिफरेंट मीटिंग होगी, तो उस लेकिन उसके लिए टारगेट यही रहेगा कि अगर आज यहाँ पे 425-30 जितने भी हमारे पास आज लोग हैं तो हर किसी ने 5-5 लोगों का टारगेट लेना है। अगर हम ये छोटा सा टारगेट नहीं कर सकते तो दोस्तों हम, मुझे नहीं लगता हम आगे इसमें और कुछ कर पाएंगे। छोटा सा टारगेट है 5 लोगों को लेके आना है, अगर 5 लोगों को नहीं लेके आ पा रहे हैं तो घर में जितने भी मोबाइल पड़े हैं आपके, मदर का, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, बच्चों का, जिसपे वो क्लासेस वगैरह लगवाते होंगे, राइट, वो भी करते होंगे हम, उनके फोन से आपने ऑनलाइन होना है। लेकिन 5 लोगों से कम हमें मंजूर नहीं है, 5 लोग कम से कम लेके आने हैं, 5 लोगों से कम हमें मंजूर नहीं है। अपनी टीम को ये संदेश भेज दीजिए कि भाई साहब 5 लोग आपके आने ही आने चाहिए, बाय हुक बाय क्रूक हमें नहीं पता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है इसको हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं, और मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको जरूर मिला होगा। अगली मीटिंग डिफरेंट होगी, हर बार कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। हिमालयन बेरी जूस आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि ऑफर 30 जनवरी तक है, तो 30 जनवरी तक अपनी टीम के साथ बात कीजिए अभी आज की डेट में। अब ये नहीं है कि रात हो गया लोग सो गए होंगे, अरे जगाइए उनको, हमें इसमें नहीं है, हमें तो काम करना है, जगाइए उनको। कम से कम 10 लोगों को आज कॉल करके सोना है कि भाई साहब आपका हिमालयन बेरी जूस का कितना ऑर्डर है, हमें ऑर्डर लिखाइए, आपके हिमालयन बेरी जूस का कितना ऑर्डर है हमें नहीं पता है, लेकिन ऑर्डर हमें आज ही चाहिए। और अपनी टीम को बोलिए कि इसी तरीके से ऑर्डर लगाते रहिए, तो दोस्तों आपको बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। कैलकुलेशन कीजिए, टीम के साथ बात कीजिए, डेली रूटीन में बात कीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि कितनी आसानी से जो काम है वो यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन लोग बात नहीं सुन रहे हैं, लोग लेफ्ट करके जा रहे हैं, चलता है इनका, राइट, चलता रहता है। अरे कम से कम बात तो सुन लो, सामने वाला बोल क्या रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो इसी तरीके से करते रहेंगे। तो दोस्तों सेशन हमारा जो है ये फेसबुक पे भी है, तो आप इसको वहां पे भी चेक कर सकते हैं, वहां पे देखिए सेशन को, राइट, शेयर कीजिए सेशन को,
हो सकता है आपको कुछ ना कुछ वहां पे भी बिजनेस करने के लिए मिल जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नए प्रोडक्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।